Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to study chapter 15, time. It is very important chapter in math and also time plays a very important role in our life. Till now we have learned to read this time from a clock and conversion of days into hours and hours into minutes. We shall now extend these ideas further. Class 4th में हमने पढ़ लिया था कि टाइम कैसे रीड करते हैं, क्लॉक में टाइम कैसे देखते हैं और डेज को आवर्स में, आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इस चैप्टर में हम 24 आवर क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे. घरों में जो वॉच होती है, हमारे यहाँ जो भी वॉल क्लॉक देखते हैं वो 12 आवर क्लॉक होती है. उसमें टाइम कैसे लिखा रहता है, 1 से लेकर 12 तक होता है और उसके बाद फिर 12 के बाद फिर से 1 से शुरू होगा और 12 तक आएगा, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. तो 1 से लेकर 12 हुआ और फिर 1 से लेकर 12 होगा. इस तरह से 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं एक दिन में. एक पूरे दिन के समय को 24 आवर्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं. लेकिन 12 आवर क्लॉक टाइम में जो वॉच होती है, 12 आवर क्लॉक वॉच होती है, उसमें 1 से लेकर 12 तक का ही आवर तक का ही टाइम बताया जाता है. इसके बाद 12 के बाद का टाइम 13 आवर ना होकर इसमें फिर से 1 यानी 1 से स्टार्टिंग होती है. और दिन में जब दूसरी बार 12 बजता है, 12 आवर आता है, तब जाकर 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम 12 आवर क्लॉक टाइम में टाइम देख रहे हैं और 7:00 यानी कि 7 बजे हैं. अब ये सुबह के साथ हैं या शाम के साथ हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 12 आवर क्लॉक टाइम में एक दिन में जितने भी आवर हैं दो बार आते हैं, यानी 7 भी दो बार बजेगा, 7 दो बार आएगा. अब ये सुबह का 7 है या शाम का 7 है, इसके लिए 12 आवर क्लॉक टाइम को का जो समय बताते हैं उसके लिए हम AM या PM का यूज करते हैं. आइए देखते हैं 12 आवर क्लॉक टाइम में पूरे दिन का, मतलब पूरे 24 आवर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. यानी हर एक जो समय है, आवर है, वो दो बार आता है दिन में. जैसे 9 बजा है तो सुबह का भी 9 हो सकता है और शाम का भी 9 हो सकता है. 11 बजा है तो सुबह का 11 या रात का 11, है ना. तो इस तरह से हर एक टाइम दो बार आता है और इस तरह से 12 आवर और 12 आवर होके 24 आवर कंप्लीट होते हैं. ये देखते हैं कि नया जो डेट स्टार्ट होता है वो रात को 12 बजे के बाद शुरू होता है. तो चलिए यहीं से हम रेफरेंस लेते हैं. मिडनाइट का टाइम क्या है, 12 जो है, वहां से लेके 12 नून तक का टाइम, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग AM. अभी हम देख रहे हैं वॉच में 12 बजा हुआ है. देखिए आवर की जो सुई है और आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों ही 12 पर हैं, यानी कि 12 बजा हुआ है. द टाइम इज 12 ओ क्लॉक. अब ये दोपहर का भी 12 हो सकता है और रात का भी 12 हो सकता है. तो अगर ये दोपहर में है तो इस टाइम को 12 नून कहते हैं, और नाइट में है, 12 बजा हुआ है, तो हम कहते हैं 12 मिडनाइट. अब टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून इज डिनोटेड बाय AM. रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है उसे हम AM से डिनोट करते हैं. AM स्टैंड फॉर एंटी मेरेडियन. अगर ये लिखा हुआ है AM तो हमें समझ जाना है कि ये टाइम कब का है, मिडनाइट 12 से लेके 12 नून के बीच का टाइम है, अगर टाइम के साथ AM का यूज किया गया है. एंड टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट इज डिनोटेड बाय PM. यहां PM का मतलब है पोस्ट मेरेडियन से. तो हमें यह समझ में आ गया है
कि अगर पीएम लिखा हुआ है यानी कि वो 12 नून से लेके मिड नाइट 12 के बीच का टाइम है, और एएम का यूज किया है यानी कि 12 मिड नाइट से 12 नून के बीच का टाइम है, तो भले ही 7 दो बार आ रहा है, अगर 7 के साथ एएम लिखा हुआ है, 7 एएम, तो इसका मतलब है ये सुबह के साथ है। ये टाइम कब का है? 12 मिडनाइट से 12 नून के बीच का टाइम, उस समय 7 कब होगा? सुबह के साथ होंगे। और अगर 7 पीएम लिखा हुआ है यानी कि दोपहर 12 के बाद का टाइम है, 12 नून के बाद और मिडनाइट 12 के पहले, यानी कि ये शाम का टाइम है, तो एएम और पीएम लिखना होगा 12 आवर क्लॉक टाइम में, जिससे पता चले कि ये सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, क्योंकि इसमें हर बार, इसमें कोई भी टाइम जो होता है दो बार आता है, तो 7 दो बार आएगा। जब एएम लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे सुबह की बात हो रही है, और 7 पीएम लिखा यानी कि शाम की बात हो रही है, क्योंकि 7 तो दो बार आएगा ही, 12 आवर क्लॉक सिस्टम है। तो अब 24 आवर क्लॉक सिस्टम में क्या होता है, हमें एएम पीएम नहीं लिखना होता है। आइए एएम पीएम के और एग्जांपल देख लेते हैं। टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून, हम ये मानते हैं कि रात को 12 बजने के बाद से नया दिन शुरू होता है, तो चलिए पहला आवर स्टार्ट होगा मिडनाइट के बाद, तो 1 बजने के पहले क्या बजेगा? 00 सपोज 30 है, यानी मिडनाइट के बाद 30 मिनट हो गए हैं, तो 00:30 इसे हम क्या लिखेंगे? एएम। नया डेट शुरू हो गया है और 00:30 ये एएम है, ये मिडनाइट के बाद। फिर 01 लिखा, 1 बज चुके हैं रात में, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे? एएम से। मिडनाइट के बाद अभी 1 नहीं बजा है, तो 00:30 लिखेंगे, 001 002 जो भी टाइम दिया रहेगा, मिनट की जगह मिनट, ये मिनट वाला टाइम है, ये आवर, अभी पहला आवर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जैसे अब ये 1 आवर कंप्लीट हो गया तो 1 एएम, ऐसे ही 2 अगर लिखा हुआ है और मिडनाइट के बाद है तो उसे एएम में लिखेंगे, ऐसे ही 11, अगर ये 11 कब का है? मिडनाइट के बाद और 12 नून के पहले का है, 12 मिडनाइट और 12 नून के बीच का टाइम है, तो इसे हम एएम यहां पे लिखेंगे, एएम। और 11 आवर 59 मिनट को क्या लिखेंगे? यहां पे भी एएम, क्योंकि ये टाइम किसके बीच है? 12 मिडनाइट और 12 नून के बीच। अब जैसे 12 आ जाता है तो इसको हम क्या लिखते हैं? 12 नून। सुबह 11:59 हुए, इसके बाद का जो टाइम होगा वो जो 12 बजेगा वो नून का कहलाएगा। अब हमें मालूम है 12 नून से लेके मिडनाइट 12 के बीच का टाइम क्या होता है? पीएम। तो जैसे ही 12 के बाद क्या बजेगा? 12:10, तो इसे हम पीएम लिखेंगे। फिर 12 बज के कोई भी टाइम ले लेते हैं, सपोज 59, ये पीएम है, ये आफ्टरनून का टाइम है, 12 नून के बाद का टाइम है। अब देखिए 12:59 के बाद यहां 13 नहीं होता है, वापस से 1 आ जाता है 12 आवर क्लॉक टाइम में, तो ये 1 बच जाएगा और ये क्या रहेगा? पीएम। तो ध्यान दीजिए, ये मिडनाइट के बाद जो पहला आवर कंप्लीट होता है वो 1 एएम होता है, और 12 नून के बाद जो पहला आवर कंप्लीट होता है वो 1 पीएम कहलाता है। ये मिडनाइट के बाद का जो 1 है ये एएम से पता चलता है, मिडनाइट के बाद ये पहला आवर कंप्लीट हुआ है, और ये 1 पीएम का मतलब है मिडनाइट के, ये नून के बाद का पहला आवर कंप्लीट हुआ है, 12 नून के बाद का पहला आवर कंप्लीट हुआ है। ऐसे ये चलेगा, 11:59 पीएम लिखा है यानी मिडनाइट के ठीक पहले का टाइम, और जैसे ही ये 11:59 पीएम कंप्लीट होता है तो 12 आ जाता है, तो ये 12 क्या होगा? 12 मिडनाइट।
तो याद रखना है। और 12 नाइट मिड नाइट के बाद फिर से एएम शुरू हो जाएगा, तो 12 मिड नाइट से लेके 12 नून के बीच का टाइम डिनोट करते हैं एएम से, और 12 नून से लेके 12 मिड नाइट के बीच का टाइम पीएम से। अब इस टाइम को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं 24 आवर सिस्टम में, क्योंकि रेलवे स्टेशन, एयरलाइंस, टेलीविजन नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग, बहुत ही जगह 24 आवर क्लॉक सिस्टम का यूज किया जाता है। उसमें एएम पीएम नहीं लिखना होता, अपने आप पता चल जाता है ये सुबह की बात हो रही है या शाम। उसमें क्या होता है, पूरे 20 आवर का जो टाइम होता है, एक दिन में 20 आवर्स होते हैं और हम हर एक आवर को अलग अलग नंबर से डिनोट करते हैं, 1 से लेकर 24 तक का यूज करते हैं। 12 आवर क्लॉक टाइम की तरह नहीं कि 1 से 12 का यूज दो बार करना पड़ेगा एक दिन के लिए। तो ये 7 सुबह का है या 7 शाम का, इसके लिए एएम पीएम का यूज करना पड़ता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यह 24 आवर सिस्टम में हम एएम पीएम का यूज नहीं। वी नॉर्मली यूज 12 आवर क्लॉक टू मेजर टाइम। हम घरों में जो भी देखते हैं ये 12 आवर वाली क्लॉक रहती है। हाउवे एयर सर्विस, रेलवे, शिपिंग लाइंस, डिफेंस, फॉरेस्ट एंड टेलीविजन नेटवर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज द 24 आवर क्लॉक। तो यहां पे पूरे वर्ल्ड वाइड क्या यूज होता है, 24 आवर क्लॉक सिस्टम का यूज होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 12 आवर में जो टाइम दिया है 12 आवर क्लॉक में, वो 24 आवर क्लॉक में उसके करस्पॉन्डिंग टाइम क्या होगा, ताकि हम एक टाइम को दूसरे टाइम में कन्वर्ट करके पता लगा सकें कि एक्चुअली किस टाइम की बात हो रही है। अब देखिए, ये घड़ी होती है 1 2 3 4 करके, ऐसा 12 होता है फिर 1 2 3 4 हो जाता है। जबकि 24 आवर क्लॉक में हम ये मान सकते हैं कि 12 के बाद 1 आके 13 शुरू होगा, 13 14 15 16 17 18 और 24 पे ये कंप्लीट होगा। द 24 आवर क्लॉक में जो टाइम हम देखते हैं उसमें 12 के बाद 13 आता है, 1 नहीं आता है। अब द 24 आवर क्लॉक, वो क्लॉक जो 24 आवर तक का टाइम बताती है, इसमें जो टाइम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 डिजिट से। लेफ्ट से 2 डिजिट जो रहती हैं वो आवर्स के लिए होती हैं, और राइट में जो 2 डिजिट होती हैं वो मिनट बताती हैं। हमने देखा था कि नया डेट जो है 12 मिडनाइट के बाद स्टार्ट होता है, तो हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं और देखेंगे कि 12 आवर क्लॉक टाइम में जो टाइम है उसके करस्पॉन्डिंग टाइम 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या होता है। यानी 12 आवर क्लॉक सिस्टम में जो टाइम होता है उसके करस्पॉन्डिंग टाइम 24 आवर क्लॉक में क्या होगा वो देखेंगे। तो 12 मिडनाइट के बाद से हम न्यू डेट की शुरुआत मानते हैं, तो 24 क्लॉक टाइम को भी यहीं से हम काउंट करते हैं। 12 मिडनाइट को 0000 आवर्स या 24 00 आवर्स कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 12 मिनट के बाद जो भी टाइम आएगा 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक का टाइम एएम में काउंट होगा, ये हमें मालूम है। 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक का टाइम एएम में एक्सप्रेस किया जाता है। अब सपोज 12 मिडनाइट के बाद 10 मिनट हो चुके हैं, आफ्टर 10 मिनट क्या होगा, 0:10 या 0:10 एएम, क्योंकि अभी 12 के बाद 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो अभी आवर तो एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट 10 मिनट हो चुके हैं और वो भी मिडनाइट के बाद, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 0:10 AM, 10 मिनट, 0:10 या 0:10 AM 24 क्लॉक टाइम में। अब यहां क्या है, आवर 0 दिया है, तो 24 आवर क्लॉक टाइम में भी क्या होता है, 4 डिजिट में टाइम एक्सप्रेस करते हैं। स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होती है लेफ्ट में वो बताती है आवर, तो आवर तो 0 है, तो यहां 0:00 होगा। और मिनट कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, तो राइट की जो 2 डिजिट होंगी उसमें हम 10 लिखेंगे, तो 0:00 10 आवर्स। ऐसे ही 12 मिनट के बाद 59 मिनट हो चुके हैं, 59 मिनट हो चुके हैं यानी अभी 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लिखेंगे 0:59 मिनट्स या 0:59 AM 24 आवर क्लॉक में क्या होगा, 24 आवर क्लॉक में हम देखेंगे कि आवर यहां 0 है,
तो यहां भी इसकी जो दो डिजिट होंगी वो 00 ही होंगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो दो डिजिट होती हैं ये आवर को एक्सप्रेस करती हैं, और राइट में जो दो डिजिट हैं वो मिनट्स को एक्सप्रेस करती हैं। मिनट तो यहां 59 दिया है, तो यहां हम 59 लिखेंगे, 0059 आवर्स। अब 12 मिडनाइट के बाद आफ्टर 1 आवर क्या टाइम होगा, 1 AM, यानी आवर में क्या है 1, और 1 को दो डिजिट में कैसे लिखेंगे, 01। मिनट यहां कुछ दिया नहीं तो वहां पर 00, तो 1 AM 20 आवर क्लॉक टाइम में क्या होगा ये 0100 आवर्स। ऐसे ही 12 मिडनाइट के बाद जब 2 आवर हो जाएंगे तो 2 AM होगा, और यहां 0200 आवर्स। ऐसा इसलिए कि आवर तो 2 दिया हुआ है तो उसको हमने दो डिजिट में 02 लिख दिया, बट यहां मिनट्स नहीं दिए हुए हैं, इसलिए जो राइट में दो प्लेसेस होते हैं, दो डिजिट्स होती है मिनट्स के लिए, वहां हम 00 लिखेंगे। ऐसे ही सपोज 5:30 दिया है, 5:30 AM, तो आवर 5 है, तो 5 को हम दो डिजिट में क्या लिखेंगे, 05, और मिनट्स कितना दिया है 30 मिनट्स, तो हम यहां लिखेंगे 30 आवर्स। ऐसे 11:15 AM, तो आवर्स में 11 है तो 11, और मिनट में 15 है तो 15, 11:15 आवर्स। अब यहां पे तो इसके बाद 12 मिडनाइट के बाद जो दूसरा 12 आएगा वो 12 नून कहलाएगा, और यहां पे आवर क्या है 12, और मिनट में कुछ नहीं दिया है तो 12:00 आवर्स। तो याद रखना है 12 मिडनाइट का मतलब 0:00 आवर्स कहते हैं, या 2:40 आवर्स, और 12 नून दोपहर के 12 को 1200 आवर्स या 12:00 आवर्स कहते हैं। अब इसके बाद का टाइम क्या होता हमें मालूम है, हमने पढ़ा था 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक के टाइम को हम लिखने के लिए एएम का यूज करते हैं, और 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक के टाइम को एक्सप्रेस करते हैं पीएम में, क्योंकि 12 आवर क्लॉक टाइम में दो बार हर एक टाइम आता है, एक बार एएम के साथ आता है, एक बार पीएम के साथ आता है। आइए देखते हैं 12 नून के बाद का जो टाइम है 12 आवर क्लॉक में, वो 24 आवर क्लॉक टाइम क्लॉक में उसे किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हमने देखा था 12 मिडनाइट के बाद 12 नून तक का टाइम एएम है। अब 12 नून के बाद जो भी टाइम आएगा, भले 12 नून के बाद एक मिनट भी हो जाए, तो वो फिर पीएम में आएगा। जैसे यहां पे लिखा है 12:01 या 12:01 PM या 12:01 PM कहें, तो देखिए ये टाइम जो है यहां आवर में दिया है 12, तो 24 आवर क्लॉक में भी 12 लेफ्ट की दो टू डिजिट में 12 लिखेंगे। मिनट क्या है 01, तो यहां पर 01 आवर्स, तो 12:01 आवर्स। ऐसे ही आगे देखते हैं 12 नून के बाद 50 मिनट और हो जाते हैं, तो टाइम क्या कहलाएगा 12:59 या 12:59 PM, क्योंकि नून के बाद जो भी टाइम होगा 12 नून के बाद वो पीएम में होगा, तो 12 तो के 12:59 हो चुके, तो 12:59 PM। और 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या होगा, आवर में यहां 12 था तो यहां पर भी 12 लिखा हमने, मिनट में 59 था तो 59 लिख दिया, फोर डिजिट में क्या हो गया 1259 आवर्स या 1259 आवर्स। अब 1259 के बाद एक मिनट के बाद क्या होगा, यहां पर 1 PM होगा, तो हम देख सकते हैं कि 12:59 या 12:59 PM तक, यानी मिडनाइट 12 से लेके 12:59 PM तक जो डिजिट्स यूज हो रही हैं 12 आवर क्लॉक टाइम में, वही डिजिट्स सेम डिजिट्स यूज होती हैं 24 आवर क्लॉक टाइम में। यहां 12:59 है, यहां भी 12:59 आवर्स लिखा, इसके बाद से चेंजेस शुरू होते हैं। अब यहां 1 PM हो गया, तो यहां पर क्या हो गया 1300 आवर्स या 1300 आवर्स। जैसे ही 1 बजे का 1 PM होता है टाइम, हम उसमें 12 ऐड करते हैं आवर में, तो 1 PM से लेके 12 मिडनाइट तक जो भी टाइम होगा आपको उसमें पीएम वाले टाइम में आपको आवर में 12 ऐड करना होगा। जैसे 1 PM है तो हम थर्ड इसमें 12 ऐड करेंगे 1 में, तो 13 हो जाएगा, और मिनट में कुछ दिया नहीं तो 1300 आवर्स। 2 PM है
तो इसमें भी आवर में टू दिया है, पीएम जब टू पीएम रहेगा तो आवर्स में हमें 12 ऐड करना होगा, तो टू में हम 12 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, मिनट में कुछ दिया नहीं तो 1400 आवर्स। यहां 5:20 पीएम है तो यहां 5 पीएम के साथ आया हुआ, तो 5 में क्या लिखेंगे, 5 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 17। तो 24 आवर क्लॉक टाइम में ये यहां 17 लिखा जाएगा, और मिनट में क्या है 20, तो मिनट को एज इट इज हम वैसे लिख देते हैं 17:20 आवर्स। 9:45 पीएम यहां फिर 9 पीएम के साथ आया है, तो 9 में आवर में 9 है, इसमें हम 12 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और मिनट में जो लिखा था 45 वैसे ही 45 लिख देंगे तो 21:45 आवर्स हो गया। 11:30 है, 11 भी पीएम के साथ आया तो 12 ऐड करेंगे तो 23:30 आवर्स हो जाएगा, और 12 मिडनाइट वापस आ गया तो इसको आप 2400 आवर्स लिखेंगे, इसमें 12 ऐड किया, 12 में 12 ऐड किया तो 24 हो गया। इस तरह से हमने 12 आवर क्लॉक टाइम को देखा और उसके करस्पॉन्डिंग 20 आवर क्लॉक टाइम को भी देखा। अब अगर कई जगह क्या होता है, 24 आवर क्लॉक टाइम दिया रहता है और हमें 12 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करना होता है, क्योंकि फॉरेन में वर्ल्ड वाइड क्या यूज होता है 24 आवर क्लॉक टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसे 12 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करना। तो कन्वर्जन के कुछ रूल हैं, तो आइए देखते हैं। टू कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम, कैसे 20 आवर क्लॉक टाइम में दिया हुआ है कोई टाइम, उसे हम 12 आवर क्लॉक टाइम में कैसे चेंज करते हैं, तो इसके लिए 4 रूल हैं जिन्हें देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम टाइम आसानी से चेंज कर पाएंगे। फर्स्ट रूल है, टाइम फ्रॉम मिडनाइट 0000 आवर्स टू 1200 आवर्स या 1200 नून, जो 1200 नून है, इसके बीच का जो भी टाइम होगा आपको उसको सभी को एएम लिखना है। जैसे कि मिडनाइट की बात करें 0000 आवर्स के बाद, अगर इसके बाद एक भी मिनट हो जाता है तो हम कैसे 24 आवर क्लॉक में लिखेंगे उसको, 0001 यानी मिडनाइट के बाद एक मिनट हो जाता है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 0001। अब ये टाइम क्या हुआ, मिडनाइट के बाद का टाइम है, मिडनाइट से लेकर 1200 नून के बीच का टाइम हम एएम एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए ये जो दो डिजिट हैं ये आवर के लिए होती हैं, तो 00 है तो यहां पे आप 0 ही लिखेंगे, और मिनट में क्या दिया है 01, तो ये आप इसको 01 लिखेंगे, 0:01 मिनट या 0001 मिनट इसको। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, इसके साथ आप लिखेंगे एएम का यूज करेंगे, तो याद रखना है 24 आवर क्लॉक सिस्टम में 0000 आवर्स से लेके 1200 नून के बीच का जो भी टाइम होगा उसको आपको एएम में लिखना है। जैसे ये 0535 आवर्स, जीरो आवर कहां से, 00 से लेके 12 आवर के बीच का कोई भी टाइम, तो 05 है, 09 है, 11 ये आवर दिया हुआ है, यहां पे आप आवर देख रहे हैं 00 से लेके 12 आवर तक, 24 आवर क्लॉक में आवर अगर 00 से लेके 12 आवर तक दिया हुआ है तो सभी के लिए एक ही रूल है कि आपको ये वाला जो टर्म है दो डिजिट का जो है ये आपको एज ए आवर लिखना है, और राइट में जो दो डिजिट है उसको मिनट में लिखना है और साथ में एएम का यूज करना है। जैसे 11:59 आवर, 11:59 आवर्स में आप देख पा रहे हैं ये आवर जो है अभी भी 12 से कम है, यानी ये जो पूरा नंबर है 11:59 1200 से कम है, तो यहां हम एएम यूज करेंगे। स्टार्टिंग की टू डिजिट है 11, ये आवर का काम करेंगी, और राइट में जो दो डिजिट है ये मिनट का, 11:59 मिनट या 11:59 एएम, ये पहला रूल है। तो याद रखना है 0000 आवर से लेके यानी मिडनाइट से लेके नून तक के बीच का जितना भी टाइम है उसको सभी को आपको एएम का यूज करना है वहां पर, यानी कि जहां पर फर्स्ट टू डिजिट की वैल्यू 12 से कम है 24 आवर क्लॉक टाइम में, जहां पर लेफ्ट की दो डिजिट की वैल्यू 12 से कम है वहां सभी के लिए आप एएम का यूज करेंगे। रूल नंबर टू, अगर 12
जीरो जीरो आवर्स है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, 12:00 नून। ये सेकंड रूल है, यहां पर एएम का यूज नहीं करेंगे। जैसे आपको 1200 आवर्स मिल गया यानी 1200 आवर्स मिल जाता है तो वहां पर आप 12 नून लिखते हैं। इसके बाद क्या होगा वो रूल थर्ड में बताया गया है। 1200 आवर्स के बाद यानी 1201 से लेके 1259 आवर्स, रूल नंबर थर्ड सिर्फ 1 आवर के लिए है। 1201 से लेके 1259 आवर्स यानी इसके बीच में टोटल 59 या कहें अप्रोक्स 1 आवर की बात करें तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए पीएम का यूज करेंगे। आवर में आप देख रहे हैं लेफ्ट की 2 डिजिट 12 है दोनों जगह, तो 12 को एज इट इज 12 लिखेंगे और राइट की 2 डिजिट क्या है, मिनट है, 12:01 या 12:01 PM और यूज करेंगे पीएम। 1201 से लेके 1259 आवर्स का जो भी टाइम होगा उनके लिए आप पीएम का यूज करेंगे, ठीक है। 12 के पहले तक का टाइम उसमें एएम, जब 1200 आवर्स आ जाएगा तो उसके लिए नून, और 12 के बाद जो भी अगला टाइम होगा तो सिर्फ 1 आवर की बात के लिए तो रूल थर्ड है कि 1201 से लेके 1259 आवर्स तक का जो टाइम है उसमें आवर में आपको 12 लिखना है और यूज करना है पीएम का। रूल नंबर 4 है 12:59 PM, हमने लिखा 12:59 आवर्स के लिए, इसके बाद क्या होगा 13 आवर्स स्टार्ट होगा, तो टाइम फ्रॉम 13:00 आवर्स टू 24:00 आवर्स इसके लिए आपको पीएम का यूज करना है। और क्या करना है, यहां पर जो लेफ्ट में 2 डिजिट है उससे जो बना हुआ नंबर है, जैसे यहां का एग्जांपल करें, ये सब 12 से ज्यादा है रहेंगे, तो 13 या 13 से ज्यादा होने पर, आवर की वैल्यू ज्यादा होने पर क्या करना है, लेफ्ट की जो 2 डिजिट्स हैं इनसे बना हुआ जो भी नंबर है अगर 12 से ज्यादा होता है यानी 13 या 13 से ज्यादा है तो आप इसमें से 12 माइनस करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको एज आवर लिखेंगे 12 आवर क्लॉक टाइम में। जैसे 13 है तो 13 में 12 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, मिनट में जो भी लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे और यूज करेंगे पीएम का। 1745 आवर्स दिया है तो हम देख पा रहे हैं ये भी 13 या 13 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें 12 माइनस करेंगे, 17 में 12 माइनस किया तो 5 आ गया और मिनट में जो भी दिया हुआ है उसको एडिटिज में लिख देंगे मिनट के फॉर्म में 5:45 PM और पीएम का यूज करेंगे। 23:59 यहां पर भी 23 जो है 13 या 13 से ज्यादा है, 12 माइनस करेंगे 11 आएगा, मिनट में 59 और पीएम। 24:00 आवर्स है तो 24 यहां दिया हुआ, इसमें भी 12 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा और हमें मालूम है 24:00 आवर्स यानी मिडनाइट, आप इसको मिडनाइट कहेंगे या इसको 0:00 आवर्स भी कहते हैं। तो ये 4 रूल्स दिए हुए हैं आपको, आप फिर से एक बार देख लीजिए, 0:00 आवर्स से लेके यानी मिडनाइट से लेके नून तक का टाइम रहेगा उसमें एएम का यूज करेंगे। अब 12:00 आवर्स आ जाएगा तो ये नून का टाइम है तो 12:00 नून होगा, इसके बाद 1 आवर के लिए, नून के बाद 1 आवर के लिए हम यूज करेंगे पीएम का, लेकिन जो डिजिट है जो आवर की डिजिट है 12 है तो 12 ही लिखेंगे। अब फोर्थ रूल ये है कि अगर आवर की वैल्यू 12 से ज्यादा हो जाती है यानी 13, 14, 15 कुछ भी हो जाता है तो 12 आवर क्लॉक सिस्टम में क्या लिखेंगे, जो 2 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है इसमें से 12 माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको एज आवर लिखेंगे और मिनट में जो क्या लिखेंगे, राइट में 2 डिजिट से बना हुआ जो भी ये वैल्यू दी हुई है ये एज ए मिनट आएगा और पीएम लिखना है। तो ये कुछ रूल्स हैं टू कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम। आइए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइम यूजिंग एएम और पीएम और नून और मिडनाइट, यानी आपको 24 आवर क्लॉक
में टाइम दिया है आपको 12 आवर क्लॉक में टाइम कन्वर्ट करना है, एएम पीएम नून या मिड नाइट टिकना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में ए से लेके जे तक दिया हुआ है, एल तक दिया हुआ है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 24 आवर क्लॉक टाइम में जो भी टाइम है वो कैसा रहता है, 4 डिजिट में एक्सप्रेस किया जाता है। ये लेफ्ट की 2 डिजिट है, राइट की 2 डिजिट है। राइट की 2 डिजिट हमेशा मिनट्स बताती है और लेफ्ट की 2 डिजिट्स आवर बताती है। तो 00 आवर दिया है, अगर ये लेफ्ट की 2 डिजिट में 00 दिया है ना, 00 से आगे कुछ भी दिया हुआ है, कहां तक, 1200 तक आपको उनके लिए एएम का यूज करना है। जैसे यहां 06 लिखा है तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे 06, ठीक है। तो 06 लिखा हुआ है तो 640 और एएम का यूज करेंगे। यहां 0 लिखे ना लिखें उसका मतलब 6 ही होगा। जैसे 0130 आवर्स है तो आवर में क्या लिखा है, 01 यानी 1 आवर, तो आप यहां पे लिखेंगे 1। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आप मत लिखिएगा इसको, ठीक है। यहां पे भी मैं नहीं लिख रहा हूं, 01 है तो 12 से जब भी कम रहेगा तो जो भी आवर है हम उसको वैसे लिख देंगे 01। और ये 30 जो है राइट में जो 2 डिजिट है ये बताएंगी मिनट्स, तो 1:30 या 1:30 AM। तो यहां पर 00 से लेकर 1200 तक का जो बीच का टाइम है सभी में एएम लिखना है। जैसे 0020 आवर्स, तो आवर में 0 है तो आप 0 लिखिए, और ये मिनट में 20 है तो 20 लिखिए एएम, 0:20 या 0:20 AM। अब जैसे ही लेफ्ट की 2 डिजिट में नंबर 12 आ जाता है तो वहां पर आपको यूज करना है, 1200 है तो उसके लिए नून यूज करेंगे और उसके बाद के जो भी नंबर है उसके लिए पीएम का यूज करेंगे, जिनके लेफ्ट में 12 हो और राइट के जो 2 डिजिट हैं वो मिनट हैं वो पीएम में एक्सप्रेस होंगे। जैसे 1206 लिखा है तो आप लिखेंगे 12:06, यहां पर आप पीएम का यूज करेंगे। जैसे 12 पार हो जाता है तो पीएम लिखना पड़ता है। ये 12:56 है तो 12:56 या 12:56 PM। अब 13 या उससे ज्यादा अगर होता है, जैसे यहां 14:38 आवर्स दिया हुआ है, तो जो भी वैल्यू दी है लेफ्ट साइड में 2 डिजिट से बना हुआ नंबर, इसमें 12 माइनस किया जाता है। अगर ये नंबर 13 या 13 से ज्यादा है तो 14 जो है 13 से ज्यादा है तो 12 माइनस करेंगे 14 में तो यहां पर आएगा 2। और मिनट्स में जो भी दिया है एज इट इज, राइट में जो 2 डिजिट हैं इनसे बना हुआ जो भी नंबर है वो मिनट्स होगा 38, 2:38 टू या 2:38 और पीएम का यूज करेंगे। यहां लेफ्ट की जो 2 डिजिट हैं उनसे बना जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 16 है, 12 से ज्यादा है तो 16 में 12 सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। और ये राइट में जो 2 डिजिट है उससे बना नंबर क्या है, 24 और पीएम का यूज करेंगे। जब भी इसकी वैल्यू 13 या 13 से ज्यादा है तो पीएम का यूज किया जाएगा। यहां 0000 आवर्स है, 0000 आवर्स, इसके बाद से टाइम स्टार्ट होता है, यानी ये मिडनाइट का टाइम है। तो ये आपको याद रखना है, 0000 आवर्स दिया है यानी कि 12 मिडनाइट। इसके बाद न्यू डेट स्टार्ट होती है, नया दिन स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां पर फिर से लेफ्ट साइड में जो 2 डिजिट हैं उनसे बना हुआ नंबर 13 या 13 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है यानी 23 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 सबट्रैक्ट करेंगे, तो 12 सबट्रैक्ट करेंगे 23 में तो यहां हमें मिलेगा 11। फिर
राइट में जो दो डिजिट दिए हैं इससे हमें मिलेगा उसका मिनट 47, और 13 से लेके उससे बड़े जितने भी नंबर हैं सभी क्या है पीएम में लिखे जाते हैं, तो 11:47 या 11:47 PM। यहां 21:39 दिया हुआ है, फिर से ये जो नंबर दिया हुआ है ये जो टू डिजिट से बना हुआ नंबर 21 है जो कि 12 से ज्यादा है, तो यहां क्या करेंगे इसको भी 21 में 12 सबट्रैक्ट करेंगे, तो 12 सबट्रैक्ट करेंगे यहां पर तो हमें मिलेगा 9, तो यहां 9 आएगा, और मिनट में क्या होगा राइट के जो टू डिजिट्स हैं इनसे 39 बनता है तो ये मिनट में आएगा 9 hours 39 minutes, 9 hours 39 minutes लिखेंगे 9 hours 39। अब यहां पे ये पीएम लिखा जाएगा, यहां पर फिर ये 13 या 12 से ज्यादा है तो 13 में 12 माइनस करेंगे तो 1, और ये 54 है पीएम। यहां पर फिर ये 20 आ गया है जो कि 12 से ज्यादा है, तो 12 से ज्यादा होने पर पीएम रहेगा, लेफ्ट की टू डिजिट 12 से ज्यादा है तो हमेशा वो पीएम रहेगा, इसको याद रखना है। ठीक है, और क्या करना है लेफ्ट की टू डिजिट में से बना हुआ जो भी नंबर उसमें 12 माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो 20 में जब सबट्रैक्ट करेंगे 12 को तो 8 आएगा, और राइट की टू डिजिट्स मिनट बताती हैं तो यहां पे 00 है तो यहां 00 लिखेंगे, यानी 8 hours 00 minutes या 8:00 PM या 8:00 PM, तो ये पीएम लिख दिया हमने। तो लिखा गया था इसमें क्वेश्चन में यही था कि हमें एएम पीएम नून और मिड नाइट का यूज करके टाइम बताना है, तो इस तरह से हमने 24 hour clock time को 12 hour clock time में लिख लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 24 hour clock time। यहां पर टाइम जो दिया है हमें वो 12 hour clock time दिया है, इसे हमें 24 hour clock time में कन्वर्ट करना है, और हमें मालूम है 24 hour clock time में एएम या पीएम का यूज नहीं किया जाता है, और उसे 4 digit में एक्सप्रेस करते हैं। ये जो डॉट बीच में देख रहे हैं 4 के बाद जो ये सब नहीं आता है, एएम पीएम कुछ भी नहीं आएगा, 4 digit में सीधे सीधे टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है और आवर्स लिखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आवर की वैल्यू देखिए, 12 आवर क्लॉक सिस्टम में अगर आवर की वैल्यू ये है और मिनट्स की वैल्यू ये है, तो अगर एएम में लिखा है, ध्यान रखिएगा एएम में लिखा है, तो आवर की जो वैल्यू है उसको टू डिजिट में लिख देते हैं। जैसे यहां आवर में क्या लिखा है, 4 hours 05 AM लिखा हुआ है, तो आवर्स की वैल्यू क्या है यहां पर 4 है, तो आप इसको टू डिजिट में कैसे लिखेंगे 04। एएम के केस की बात कर रहा हूं मैं, और मिनट में क्या है 05 है, तो टू डिजिट में इसको लिखेंगे राइट में 0405, और आप यहां पे आवर्स लिखेंगे। यहां फिर एएम है तो आवर्स की जो वैल्यू है उसको टू डिजिट में लिखेंगे, तो यहां 11 लिखा है, पहले से टू डिजिट में है तो आप इसको 11 लिख दीजिए, और जो मिनट्स की वैल्यू है उसके राइट में 11:32 hours, ये कब होता है जब एएम लिखा रहता है। यहां 0:08 AM, तो यहां आवर में क्या होगा 0 है, तो टू डिजिट में कैसे लिखेंगे 0 को 00, और मिनट में 08 एएम है, तो एएम के केसेस में यही लिखते हैं आवर्स। आवर में वही वैल्यू आ जाती है जो यहां आवर में रहती है, 12 आवर क्लॉक सिस्टम में जो आवर की वैल्यू रहती है 24 आवर क्लॉक टाइम में भी वही वैल्यू आ जाती है, जैसे 0:46 AM है, तो यहां पर 00 ये आवर को हमने टू डिजिट में लिख लिया है 00, और ये 46 AM है ना, तो आवर्स। अब जब पीएम आता है तो क्या करना है, तो अगर पीएम में वैल्यू दी है, अब देखते हैं आवर में अगर 12 है तो टाइम एज इट इज लिख दिया जाता है, 12 है तो 12 लिखेंगे, और ये मिनट में 15 दिया है तो ये 12:15 hours। अगर पीएम में आवर में अगर 12 दिया है तो 12 को एज इट लिखा जाता है, ठीक है, 12 से 12:59 तक, उसके बाद जैसे ही 1 बजता है तो उसमें हम फिर क्या करते हैं 12 ऐड कर देते हैं, जैसे ये 2 दिया है 2
2 hours 18 पीएम दिया हुआ है, तो पीएम के केस में क्या करेंगे, जब वैल्यू 12 के अलावा कोई भी वैल्यू रहती है तो उसमें हम पीएम में जब वैल्यू दी रहती है तो आवर में 12 ऐड करना होता, तो इस 2 में 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14, और मिनट में वही लिखेंगे जो लिखा है, 18 था तो 14 आवर्स। यहां 10 है तो 10 में जब हम 12 ऐड करेंगे, पीएम दिया है तो हमें यहां पे 12 ऐड करना होगा, 10 में 12 ऐड करेंगे तो यहां हमें मिलेगा 22, और मिनट में 00 है तो यहां पे 00 लिखेंगे, 2200 आवर्स। ऐसा कब करते हैं, जब पीएम आता है, तो पीएम में 12 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो सब में आपको 12 नहीं है, 12 के अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो उसमें आपको 12 ऐड करना होता है, जब पीएम में टाइम दिया हो। अब जैसे 0 दिया है, 58 एएम दिया है यहां पर, तो एएम में तो हम कुछ नहीं करते, जो भी आवर रहता है उसको 2 डिजिट में लिख देते हैं, जैसे 0 दिया है तो 2 डिजिट में 00 लिखेंगे, और मिनट्स में क्या होगा, 58 दिया है तो राइट की 2 डिजिट में 58 लिखा जाएगा, 0058 आवर्स। आई में देखते हैं, जैसे मिनट में कोई वैल्यू दी हुई है और आवर में अगर 12 है तो 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या करते हैं, आवर को एज इट इज लिख दिया जाता है, 12 है तो 12 लिखिए और मिनट में जो वैल्यू दी रहती है 00 के अलावा वो लिख देते हैं, 58 लिखा है तो 58 लिखेंगे, 58 आवर्स। अब यहां पर लिखा है 1 hour 10 AM, 1:10 AM लिखा हुआ, तो AM में क्या करते हैं, आवर में जो भी टाइम दिया है उसको एड डिजिट 2 डिजिट का बना के लिखते हैं, तो ये 1 लिखा है तो 1 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 01, और राइट की 2 डिजिट कैसे बनेगी, यहां जो मिनट में लिखा है तो 10 लिखा हुआ है तो यहां 10 लिखेंगे, 0110 आवर्स। आपको AM PM पहले देखने से, AM दिया है तो आवर में जो भी दिया था यहां पे वही यहां पे आएगा 2 डिजिट के फॉर्म में, 2 डिजिट के फॉर्म में, 2 लिखा है तो आप लिखिए 02, और बाकी की 2 डिजिट कैसे बनेगी, मिनट में जो दिया है 30 दिया है तो 30 आवर्स। आवर्स 24 क्लॉक आवर में टाइम में हमेशा 4 डिजिट में ही आपको एक्सप्रेस करना है। 9:30 पीएम दे दिया, देखिए पीएम दे दिया यानी कि आवर्स में जो भी वैल्यू है 12 के अलावा कोई भी वैल्यू दी है उसमें आपको 12 ऐड करना होगा, 12 के अलावा अगर कोई वैल्यू दी है तो 9 दिया हुआ है तो उसमें आप 12 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 21, और राइट की 2 डिजिट कैसे बनेगी, यहां जो मिनट में जो वैल्यू दी है 30 दिया हुआ है तो आप लिखेंगे 30 आवर्स। इस तरह से आपने यहां पर 12 आवर क्लॉक टाइम को 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट कर लिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एयरलाइन टाइम टेबल। यह टेबल बनी है, प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी की बात हो रही है, दिल्ली से, लखनऊ से और पटना से, ये टाइम दिया है, जगह का नाम, और ये प्लेन ए बी सी तीन प्लेन है। अब लिखा है दिस टेबल शोज द डिपार्चर टाइम ऑफ 3 प्लेन्स फ्रॉम दिल्ली लखनऊ एंड अराइवल टाइम एट पटना। ठीक है, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सप्रेस देम इन एएम और पीएम। आपको टाइम बताना है एएम पीएम में। प्लेन ए, प्लेन बी और प्लेन सी की बात करें तो प्लेन ए दिल्ली से 0005 पे निकलती है, लखनऊ से 0045 पे निकलती है। प्लेन बी के साथ भी दिया है टाइम, प्लेन सी के साथ, और पटना के बारे में क्या कहा जा रहा है कि पटना का अराइवल टाइम है। प्लेन ए पटना इतने बजे पहुंचती है, प्लेन बी पटना 1350 आवर्स पे पहुंचती है, और प्लेन सी की बात करें वो पटना पहुंचती है 2000 आवर्स पे। तो व्हेन डज द प्लेन बी लीव दिल्ली। प्लेन बी पे आते हैं और दिल्ली के कॉलम में आते हैं। प्लेन बी और दिल्ली ये दिया है 12:10। प्लेन बी कब दिल्ली से निकलती है, कब दिल्ली को लीव करती है 12:10। तो हमें मालूम है 24 आवर क्लॉक टाइम में दिया हुआ है, तो अगर वैल्यू लेफ्ट में जो 2 डिजिट है और राइट की जो 2 डिजिट है वो बताती है मिनट्स, तो ये 12 है तो 12 को एज इट इज लिखेंगे 12, और मिनट की जगह क्या लिखेंगे 10,
और यूज करेंगे हम पीएम का। लेट की टू डिजिट जब भी 12 दी हो और मिनट में कुछ दिया हो तो आपको हमेशा इसको पीएम में लिखना है। आवर को एजिटेज आवर में लिखेंगे और राइट की जो टू डिजिट है वो मिनट बनेंगे और ये टाइम होगा पीएम का। दूसरा है व्हेन डज द प्लेन ए लीव लखनऊ। ए पे आते हैं, लखनऊ लीव करने का टाइम क्या है 0045। तो हम देख पा रहे हैं 0045 दिया है तो लेट की जो टू डिजिट है ध्यान दीजिएगा 00 है, 00 दिया है तो आप इसको 12 से कम होने पर, 12 से कम होने पर कोई भी जो टाइम दिया होगा 24 आवर क्लॉक टाइम में वो एएम कहलाएगा। तो देखिए 00 दिया है तो आप इसको एक डिजिट में लिखेंगे 0 और ये 45 क्या बता रहा है मिनट का जो टाइम दिया है तो मिनट बताएगा 0:45 एएम होगा। 00 से इस तरह से लेके 12 तक का टाइम इसमें एएम होता है, मिडनाइट से लेके नून तक का टाइम उसके बीच का टाइम हम एएम एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें दिया व्हेन डज द प्लेन सी रीच पटना। प्लेन सी पटना कब पहुंच रही है 20:00। तो अगर ये टू डिजिट्स 12 से ज्यादा हैं तो ये टाइम किस में होगा पीएम में होगा। 24 आवर्स क्लॉक में क्या करते हैं टाइम को एक्सप्रेस करते हैं 4 डिजिट में। लेफ्ट की टू डिजिट अगर 12 से ज्यादा है 13, 14, 15 कुछ भी है तो वो क्या टाइम होगा पीएम का टाइम होगा। अब आवर और मिनट कैसे निकालेंगे तो लेफ्ट की जो टू डिजिट से बना हुआ नंबर है उसमें 12 सबट्रैक्ट करेंगे तो 20 में 12 सबट्रैक्ट किया तो 8 आया। और ये जो राइट में जो दो डिजिट दिए हैं यहां 00 है तो वो एज मिनट लिखी जाएंगी 8:00 यानी 8:00 PM। ये 20 है 12 से ज्यादा है तो 12 से ज्यादा होने पर आप हमेशा पीएम का यूज करेंगे तो 8:00 PM ये टाइम है प्लेन सी के पटना पहुंचने का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रेलवे टाइम टेबल। रेलवे टाइम टेबल से ये निकाला गया है ये डाटा। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। स्टेट द टाइम इन टर्म्स। यहां पे भी जैसे वहां एयरलाइन से टाइम टेबल निकाला गया था यहां रेलवे टाइम टेबल निकाला गया है और एएम पीएम में हमें वैल्यू लिखनी है। तो आइए देखते हैं टेबल। देखिए यहां पर स्टेशन दिए हुए हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली, कानपुर, असनसोल, हावड़ा। तो देखिए इसमें जो पूछा गया है और यहां ए और डी देखिए। ए का मतलब अराइवल, दिल्ली में ट्रेन कितने बजे आई, डिपार्चर कितने बजे वहां से चली गई। कौन कौन सी ट्रेन है, कालका मेल, पूर्व एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। तो सभी के टाइम टेबल इसमें जो है सभी का टाइम दिया हुआ है। अब ए में पूछा गया है व्हेन डज द पूर्वा एक्सप्रेस लीव न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली पे आते हैं और उधर पूर्वा एक्सप्रेस पे आते हैं, न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। व्हेन डज द पूर्वा एक्सप्रेस लीव न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से कब वो लीव करती है, डिपार्चर होती है। तो देखिए ये लिखा हुआ है डी और टाइम दिया 16:10। तो जब भी 12 से ज्यादा है, ये लेफ्ट की टू डिजिट जो है अगर 12 से ज्यादा है इसकी वैल्यू तो हम हमेशा पीएम लिखते हैं। हमें 12 आवर सिस्टम की बात करनी है क्योंकि एएम पीएम में लिखना है। और ये जो टू डिजिट है अगर 12 से ज्यादा है तो उसमें 12 माइनस कर देते हैं, 16 लिखा है तो 16 में 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। और जो बाद की जो दो डिजिट हैं राइट में जो दो डिजिट है इससे बना हुआ जो नंबर है वो क्या बताएगा मिनट्स, 4:10 या 4:10 PM ये टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर टू है इसमें बी, एट व्हाट टाइम डज द कालका मेल रीच असनसोल। तो कालका मेल रीच यानी अराइव कब करती है, तो कालका मेल पहुंचते हैं असनसोल में पहुंच जाते हैं। तो देखिए अराइविंग टाइम 0046 है तो 12 से जब भी कम टाइम रहेगा, ये लेफ्ट की जो टू डिजिट है जब इनकी वैल्यू 12 से कम रहेगी तो हमेशा ही एएम होगा। तो एएम तो लिख ही लीजिए कि एएम का टाइम है। अब ये जो दो डिजिट दी हुई है ये आवर बताती है तो 00 है तो हम इसको लिखेंगे 0
और ये राइट की जो दो डिजिट है ये मिलके बताती है मिनट, तो 0:46 या 0:46 AM, ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, वो ये ए का आंसर है। सी देखते हैं, एट व्हाट टाइम डज द राजधानी एक्सप्रेस रीच हावड़ा। तो देखिए यहां पहुंचते हैं इसके कॉलम में, और राजधानी एक्सप्रेस की बात कर, राजधानी एक्सप्रेस कब पहुंचती है, मतलब अराइवल टाइम, तो एक देखते हैं राजधानी एक्सप्रेस का टाइम क्या दिया, 1205 कह सकते हैं। तो ये जो टाइम है, जब 12 दिया रहेगा, 12 या 12 से ज्यादा होगा तो वो पीएम होगा। तो देखिए 12 दिया है तो हम इसको तो पीएम में लिखेंगे, और रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 12 अगर दिया है यहां पे तो इसको एडजेक्टिव 12 लिखा जाएगा, और राइट की जो दो डिजिट है उनसे जो मिलकर नंबर बनेगा वो मिनट होगा, 12:05 या 12:05 PM। आइए लास्ट देखते हैं, एट व्हाट टाइम डज द पूर्वा एक्सप्रेस रीच कानपुर। पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर कब पहुंचती है, तो पूर्वा एक्सप्रेस पे आते हैं, और कानपुर कहां है, ये पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर पे कब पहुंचती है यानी अराइवल टाइम, तो ये दिया है पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर में कब पहुंचती है, अराइवल टाइम दिया है 2305 या 2305। तो देखिए जब ये 12 से ज्यादा वैल्यू होती है, लेफ्ट की जो दो डिजिट है जो नंबर बनता है 12 से ज्यादा यानी कि पीएम, तो एक तो समझ में आ गया कि ये पीएम की बात हो रही है, पीएम मतलब मिडनाइट से लेके, पीएम मतलब नून से लेके मिडनाइट के बीच का समय। अब 12 से ज्यादा वैल्यू है तो क्या करते हैं, इसमें 12 से इसको सेपरेट करते हैं, तो 23 में 12 सेपरेट करेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये राइट की जो दो डिजिट है ये बताएंगे मिनट्स, तो 05 तो 11:05 या 11:05 PM, ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से एक्सरसाइज 62 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद की एक्सरसाइज यानी 63 एक्सरसाइज 63 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जो पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।